एनआरसी और सीए के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज और मुजाहरे ताहम जारी हैं। शाहनबाग की तर्ज पर मध्य प्रदेश के जिला उज्जैन वाक़े बेगमबाग कॉलोनी में तकरीबन 1.5 महीने से चल रहे सत्याग्रह में एडवोकेट डीएस बिंद्रा ने पहुँच कर अपनी बात रखी। पेश है एक रिपोर्ट। संघर्ष करो बिंद्रा जी, संघर्ष करो, इंकलाब इंकलाब इंकलाब। पड़ा दहाड़ पे थोड़ा सा। शेरनियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब शेरनिया दहाड़ती है ना, या शेर दहाड़ता है जंगल के अंदर, तो उसकी वाइब्रेशन 6 किलोमीटर तक जाती है। कितने किलोमीटर तक? जंगल के अंदर उसकी वाइब्रेशन जो है ना, उसकी गड़गड़ाहट जो होती है 6 किलोमीटर तक जाती है। 6 किलोमीटर तक पता जाता है कि शेर यहाँ पर या शेरनिया यहाँ पर घूम रही है। एक बार दोबारा कोशिश करके देखे, 6 किलोमीटर तक जा रही है आवाज आपकी, दहाड़ चली जाए आपकी। अब एक काम करो भाइयों, आप भी थोड़ा साथ दो, ठीक है ना। ये इनको खाना वाना तो ढंग का खिला नहीं रहे हैं, देसी घी का लंगर तो इनको मिल नहीं रहा बेचारियों को, रिफाइंड खिला खिला के इनका गुजारा कर रखा है। गलती इनकी भी नहीं है, ये शाहीनबाग की दिल्ली की महिला होती है ना, तो देसी घी का लंगर खा के इनकी भी दाढ़ बढ़िया निकल रही होती है। इनकी भी मजबूरी, आप जो खिला रहे हैं भाई खाई जा रही है, अब क्या करें। आज आज आपकी आज की कोशिश से आज ये एक ही टेंट में बैठे हैं सारे के सारे। आज जो अलग अलग मस्जिदों में नमाज पता करने जाते थे, आज यहाँ पर एक जगह बैठ गए हैं। आज ये जो आप लोग से बात पूछते हैं ना कि इतने दिनों के वहां बैठे हुए, कितने दिनों के यहाँ बैठे हुए, आपको यहाँ कितने दिन है? आज 45 दिन हो गए, हमें क्या हासिल हुआ? आप लोगों से बहनों पूछते होंगे ना कुछ, शेरनियों आपसे पूछते होंगे ना लोग, 45 दिन हो गए तुम्हें वहां जाते हुए क्या मिला? आप आपस में भी खुशमुजाट करती होंगी, यार 45 दिन हो गए यहाँ पे आते हुए, हो तो रानी कुछ भी सोचती है ना आप लोग। लेकिन आपने देखो 45 दिन की मेहनत में ना इन सबको एक जगह लाके खड़ा कर दिया आपने, इनके कान पकड़ के ना लाके आपने इनको मुसलमान बना दिया, सबको बना दिया नहीं बना दिया। आज इनका कंधे से कंधा टकरा रहा है, घुटने से घुटना टकरा रहा है, और ये बड़े आराम से यहाँ मुसलमान बन के बैठे हुए हैं। ये देवबंदी बरेलवी शिया सुन्नी सब भूल चुके हैं अभी है। आपने और उनकी पहल जो हमेशा कामयाब होती है, आज आपकी श्रेणियों की पहल कामयाब हुई है। इस सबको जो है मुसलमान बना दिया गया आपको, आपने इनको मुसलमान बना दिया, इनको पता लग गया कि हम मुसलमान है। अब ये ना तो देवबंदी है। अरे भाइयों एक बार बताओ, यहाँ पर आपने सेक्शन क्यों नहीं बांटे देवबंदी बरेलवी के और शिया के? मस्जिदों को बांट रखी आपने, यहाँ पे तो बांटो ना, यहाँ क्यों नहीं बांटे भाई? कल से बांटोगे? अब नहीं बांटोगे? देखो मैं माफी चाहूंगा जनाब, शायद ये बात नहीं बोल सकता हूँ अपने मुंह से, क्योंकि आप लोगों के अपने मजहब है। मस्जिदों में भी ये हो सकता है कि सब मस्जिदें खोल दी जाए। सर देखो मेरा मजहब अलग तरह का है, मैं वो नहीं जानता हूँ, क्योंकि जब मजहब की बात आती है तो उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए आप लोगों को। तो मैं सिर्फ आपसे एक राय पूछ रहा हूँ कि मस्जिदों में जो देवबंदी बरेलवी और जो है वो खत्म हो सकता है क्या? आप कोशिश कर सकते हैं क्या? अगली स्पीच में मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ लोगों से, है ना, इजाजत हो तो कर सकते हैं। वो आपका पर्सनल मसाक है, आप करें ना करें, मैंने एक आपसे भी सिर्फ मशवरा किया। जब हम लोग यहाँ एक साथ बैठ सकते हैं तो वहां भी हम लोग नमाज एक साथ पढ़ा कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर सेक्शन बंद होते ना तो मैं ये बात नहीं करता, लेकिन यहाँ कोई सेक्शन है ही नहीं, तो जो जहाँ जगह मिल रही है बैठा है आराम से मिले। तो ये तो अल्लाह का जो है करिश्मा ही है ना, अल्लाह पाक ने करिश्मा किया कोई बहुत बड़ा। इस बहाने आप लोगों को जो है यहाँ पर, ये पहली पीढ़ी थी, ये आपकी पहली कड़ी थी है, ये पहला स्टेप है जिसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था कि आपको पहले संगठित करना, वो पूरा हो गया इंशाल्लाह। अब जो है ना अगला स्टेप को हम लोग देखेंगे, अगला स्टेप भी आपको बताऊंगा कि अगला स्टेप कैसे शुरू होगा आपका। दाढ़ी दाढ़ी किसकी होती है? इंसानों में किसकी दाढ़ी होती है? तो सुधारों की दाढ़ी नहीं होती क्या? मैं तो अपने टाइम में तो मुसलमानों की दाढ़ी है, हमारा टाइम है भूल गए तुम। और दो ही कौमों में शेर पैदा करती है शेरनिया, दो ही कौमों में, या तो मुसलमानी शेरनिया पैदा करती है शेर, या फिर सिखनिया जो है, सिखनिया जिसको बोलते हैं सुधारियां, वो शेर पैदा करती है। एक यार छोटा सा शेर आया, अभी अभी ट्रेनिंग पे आओ, अभी छोटे से शेर आओ जरा, अभी एक शेर हमारा भी आया था, मैं तुम्हें दिखा दो, देखो शेर इसकी दाढ़ी है, देखो भी एक छोटा शेर है, अभी ट्रेनिंग पे आओ जरा, अभी तैयार हो रहा, अभी छोटा अभी जरा, ये पहली बार आया ये मेरे साथ, इसको तैयार कर रहे, अभी छोटा शेर अभी ये घूम रहा, अभी क्या छोटे छोटे अभी तुम्हारी, अभी अगली बार ट्रेनिंग लेंगे तुम्हारी, ये सैंपल है, छोटा शेर है ये, आगे ना बैठने यहाँ पर। तो मैंने कहा भैया नजदीक आओ जरा, यहाँ कैमरे वैमरे लगे रहते, जरा नजदीक आओ, मैं तुम्हारे कान में कुछ बताता हूँ। मेरे नजदीक आ गए, मैंने कहा यहाँ पता ही कौन बैठी है? कहते कौन बैठा है? मैंने कहा शेरनिया बैठी है। अच्छा जी कहाँ? मेरे को दिखाई नहीं दे रही। मैंने कहा अंदर जाके देख, शेरनिया है अंदर, इसके अंदर
जैसे आप दिखाई नहीं दे रही हो ना, लेकिन वो अंदर शेरनिया हो ना अंदर, उसको मैंने कान में कहा, मैंने कहा ये ना आधा आधा किलो मीट खा जाती है, एक किलो चिकन खा जाती है, इनके मर्जी पर चला गया, तो फिर कैसे करेंगे इनकी इनकी शेरनियों को पालने की एक एक दिन की खुराक ही 2000 रुपए पड़ जाती है हमें, क्योंकि आधा किलो मीट का मतलब है 250-300 रुपए का कूड़ा। जैन आया हो तो आप शेरनियों के लिए आया हो, शेरों के लिए तो अलग बात है। देखो हम लोगों ने जो काम करना था वो बीड़ा आपने उठा लिया, वो बीड़ा जो आपने उठाया बहुत बड़ा बीड़ा है, वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी जो आपने उठाई है। अल्लाह पाक आपको रहम दे, आपके ऊपर बरकत दे, आपके ऊपर नजर रखे अपनी, नजर तो खैर अल्लाह पाक ने रखी हुई है, अल्लाह ताला ने, तभी ये इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं, नहीं तो आज तक ऐसा प्रोटेस्ट कभी दुनिया में ना तो हुआ है ना कभी होगा, और हमें ना कभी ऐसा प्रोटेस्ट करने की नौबत आए, और हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि ऐसा प्रोटेस्ट हमें कभी करना भी ना पड़े। और मैं बहनों आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, गौर से, बोर मत होना आप बिल्कुल भी, पहले गौर से सुनना। अभी हमारे भाई ने दुर्योधन जी का जिक्र किया ना, तो मुझे एक चीज याद आई है, अभी यहाँ पर अभी याद आई थी मुझे, आपने भी दुर्योधन का जिक्र किया था, दुर्योधन का युद्ध था भीम से, और भीम की गदा मशहूर थी, जिसको गदा पड़ती थी वो मृत्युशैया पे चला जाता था। तो जब दुर्योधन को पता लगा कि कल मेरी भीम से मेरा युद्ध है, और उसकी गदा से आज तक जिसके भी गदा पड़ी है वो आज तक जो है बचा नहीं है, तो वो बड़ी मुश्किल में था। तो किशन जी उनको मिले, किशन जी ने कहा भी हाँ भाई दुर्योधन कल तो तुम्हारा भीम से युद्ध है, क्या होगा? तो कह रहा कोई नहीं युद्ध करेंगे। बोला तो भीम की गदा से तो कोई आज तक बचा ही नहीं है, भीम की गदा से जो भी गदा मारता था भीम, उससे कभी कोई आज तक मरा मतलब बचा नहीं है, मर जाता था वो, ये उसको वरदान था उसको। तब किशन जी ने कहा भी दुर्योधन एक तरीका है, अगर तुम्हें कल बचना हो युद्ध के अंदर, ध्यान से सुनना। तो दुर्योधन ने कहा जी बताइए क्या तरीका है। उसने बोला कि गंधारी का नाम सुना आपने कभी? गंधारी का नाम, मैं गंधारी के बारे में पहले आपको बताता हूँ। जब गंधारी की शादी हुई थी तो उसको पता लगा धृतराष्ट्र जो है अंधा है, तो गंधारी को जो पता लगा उसका पति अंधा है, तो गंधारी ने उसी टाइम आंखों में पट्टी बांध ली थी और अपने पति के साथ अंधे के अंधा अंधी रह के जो है अपने सारा जीवन काटा था।